अगर 2 महीने में उस एक्सरसाइज से नहीं गए ना, तो फिर नीडल डाल के वो ओपन करना पड़ता है, ठीक है। आप सब में से बहुत लोग पूछ रहे हैं कि कुलुतु के यहाँ पे रेड रेड क्या हुआ है। बहुत ट्राई किया मैंने इसको ठीक करने के, 2 बार डॉक्टर दिखाया, आई ड्रॉप भी दिया, बीच में तो ठीक हो गया था, अभी बहुत हो रहा है, आंसू आते हैं और यहाँ तो स्टेन रेड रेड हो गया बहुत। और मैं इसके लिए कहाँ गया, अरे ये टेयर रिमूवर ये भी मंगाया है अमेजोन से, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है इसका। और मैंने इसको 1 हफ्ते से यूज़ कर रही हूँ इसको, फिर भी कुछ फ़ायदा तो नहीं हो रहा है, अभी आंसू आ ही रहे हैं, आंसू भी बहुत निकल रहा है ज़्यादा। और इसके साथ रह रह के रियू का भी पता नहीं क्या हुआ है, उसका भी आंसू आने लगे, उसका भी थोड़ा रेड रेड हो रहा है, ज़्यादा नहीं है इसका तो, कम ही है। तो सोचा मैं आज फिर से डॉक्टर के पास लेके जाऊँ दोनों को, आज तो मैं इनको स्पेशली आई स्पेशलिस्ट के पास लेके जा रही हूँ, ताकि अच्छे से पता चले क्यों क्यों हो रहा है ऐसा आँखों में। ठीक हो जाता है फिर स्टार्ट हो जाता है, और जब भी हेयरफॉल होता है कुलुतु का उसी टाइम उसका आंसू आना भी स्टार्ट होता है। हेयरफॉल तो ठीक हो गया, लेकिन ये कब ठीक होगा कुलुतु? यहाँ पे मसाज भी करती हूँ, इसका भी करता हूँ, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो इच्छा था हम डॉक्टर के पास चले जाए, और आपको हमें लाल लाल रेड रेड दिख रहा होगा, देखो उधर कुलुतु यहीं बैठती रहती है हीटर के सामने, यहीं पे। आजकल कुलुतु का सोने का जगह कहाँ है, यहाँ पे है ना। रियो आजकल तुम बहुत लेजी लेजी हर टाइम सोते रहते हो। कुलुतु मैं डांट नहीं रही हूँ, मुंह क्यों बना रही हो? और हाँ, रियो ने कुछ नया सिखा है, आप सबको बाद में दिखाऊंगी, है ना रियो, तुमने कुछ नया सिखा है ना। रियो रियो, इतने जल्दी जल्दी सीख जाते हो तुम कुछ भी। उधर नहीं एक गर्ल्स एक बॉय, जो पिंक वाली गर्ल है। हाँ ये बॉय है। कहाँ चल रही तू उसके ऊपर? ये इधर पता नहीं बाहर आके इधर जाते हैं। क्या नाम इसका? इसका रियो, इसका कुलुतु। रियो हाय, वो तो थोड़ा सा आ जा इधर, आंख से पानी आ रहा है, डिवॉर्मिंग वगैरह कब हुई? डिवॉर्मिंग हर हर 3 महीने में एक बार होता है। होता है मतलब ऐसे कितना आता है नॉर्मली? थोड़ा बहुत विंटर्स में ज्यादा आता है, डॉग्स में ना ज्यादा ही आता है, उससे ज्यादा आ रहा है। इसका तो ज्यादा ही आ रहा है, इसका अभी थोड़ा सा बाहर निकलो तो बस। एज सच आईज में तो कुछ भी नहीं है, बस ये है कि जो टेयर ग्लैंड्स होती है ना उनकी जो ओपनिंग होती है वो नेजल डक्ट में रहती है नॉर्मली, तो इसका वो नेजल डक्ट जो है ना वो ब्लॉक हो गया है। Okay. तो उसकी वजह से नॉर्मली जो आईज टेयर सिक्रीट रहते हैं वो नेजल उस पैसेज के थ्रू होके क्लीन क्लियर आउट होते रहते हैं, इसकी वो ग्लैंड्स ब्लॉक हो गई है। तो अभी क्या करना? तो उसके लिए मैं बताऊंगी क्या करना है एक्सरसाइज। अगर 2 महीने में उस एक्सरसाइज से नहीं गए, और ड्रॉप्स दूंगी, अगर 2 महीने में उस एक्सरसाइज से नहीं गए ना, तो फिर नीडल डाल के वो ओपन करना पड़ता है, ठीक है। इसका देखिए कितना टेंशन में आ रखा है तुम हीरो, इतना सारा टेंशन लेने की जरूरत क्या है? मेन हीरो तो यही है, ये तो डालने रहता है, ये सब कुछ खा लेते हैं, मेडिसिन में आराम से खा लेते हैं। यहाँ पे
ना अबे कितना 7.7 हां क्या इसका 7.3 था हेलो नाम क्या है इसका हीरा लड़की है ना लड़का है हुजू 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 प्यार करो भी टाटा मुझे भोगोगे भोगो तुम्हारा मुंह कैसा हो रखा है यहाँ पे डॉक्टर ने जो दवाई डाला था येलो येलो लगा था धुला था अच्छे से नहीं गया और तुम्हारा मुंह भी गीला है कैसे लग रही हो तुम उधर रियो को तो देखो कोने में जाके सोने है उसको हे नरियो बाबा उधर वो कोने में जो पिंक कलर के पीछे कुछ क्या किया हम कलर खराब कर दिया नाखून ज्यादा लंबे कर 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 क्या करते रहते हो उठ जाओ क्यों सोने कोने में ऐसे और मुझे भी बहुत ठंडा लग गया अब तो जैकेट पहन लिया क्योंकि बाहर से आके मैंने खोल दिया था और आज तो बहुत ठंडा है देहरादून में क्योंकि कल रात को बारिश हुआ था धूप ही नहीं निकला आज ठंडा ठंडा लग रहा है इसको तो पिलो के ऊपर ब्लैंकेट के ऊपर सोने के ऊपर सोने हीटर जला रखा है फिर भी हमको ठंड क्यों लग रहा है मुझे लग रहा है और हाँ इनके आइस में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है कुछ इन्फेक्शन तो नहीं है इसका तो आई ड्रॉप देने से शायद ठीक हो जाएगा और कुलुतू का शायद टाइम लगेगा डॉक्टर ने बोला उसका टेयर में जो कुछ डॉक्टर ने अच्छे से एक्सप्लेन तो किया था उसका कुछ ब्लॉक हो गया है तो वो अगर अभी आई ड्रॉप डाल के ठीक नहीं हुआ तो नीडल डाल के वो ब्लॉक को ठीक करना पड़ेगा फिर ही जाके उसका ये ठीक होगा और जो डॉक्टर वो करती है उनका बेबी हुआ है तो वो डॉक्टर अभी नहीं है फैब के बाद ही आएगा ओ पिलो के ऊपर कंबल के ऊपर वही सोने है ना मेरा फ्रेंड आ रखी है जो क्रिसमस वाली वीडियो में देखा होगा वो इस साइड में सोती है ना रियो को उसी कोने में उसके सर के ऊपर आके सोना है अरे कुलू तो क्या हुआ और ये तो पिलो के ऊपर ही सोती है ज्यादातर बेड लाने का कोई फायदा नहीं है मैं बेकार में बेड खरीद के लाई हूँ है ना कुलू तो मैं भी सो जाऊँ यहीं पे तुम लोगों की तरह सॉरी बाबा लगी तो नहीं मैं भी सो जाऊँ जैसे तुम पिलो के ऊपर सोते हो मैं भी पिलो के ऊपर आके ऐसे सो जाऊँ तो ऐसे छोड़ जाओ छोटू सा बन के नहीं अरे अरे क्या बोल रहे हो कि जाओ हाँ मुंह पे पैर मारो अपना ऐसे कर दो पुश पुश